सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पर। आज का वीडियो लेके आ रहे हैं जी राम श्याम डेयरी फार्म सूर्यनगर हिसार से। और आज की वीडियो में बलराज भाई हमें भैंस दिखाएंगे, काफ़ी सारी भैंसें खड़ी हैं, फुल खचाखच भरा हुआ डेयरी फार्म भाई का। और जो मेन फोटो भी हमने लगाया, आपने देखा कि बहुत सारे भाई जो है पशुधन लेने के लिए, कुछ भाइयों ने भैंसें खरीद रखी हैं, कुछ भाई खरीदने के लिए जो हैं आए हुए हैं। तो बलराज भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कितनी भैंसे दिखाओगे जी? आज दिखाएंगे भाई साहब 12, एक बुल है। 12 भैंसे और एक बुल बिकी हुई है? हाँ, 10 बिकी हुई है, 2 बिकने वाली है और एक बुल बिक्री के लिए है। हाँ, तो किधर जाएंगे जी बिक के ये पशुधन? ये पूना जा रही भाई साहब, पूना सारे के सारे पशुधन पूना जाएगा? हाँ, पूना जाएगा भाई। ठीक है, तो दिखाओ जी खोल के किधर। देखो मैंने खोली, खोलो खोलो। पूना में मुंशी तालुका, मुंशी तालुका नंदगांव। अच्छा, मुंशी तालुका नंदगांव। ठीक है। तो एक नंबर पे जो भैंस है ये काफी बड़ी है साइज में, ये बताओ भाई साहब। ये भैंस सुरेंद्र भाई ये जा रही बिक्री के लिए। ठीक है, तो हम ये तो है नहीं भी अगले का कोई अपना रेट कम करते हैं और करके अगले का काम कम करें, तो बिक्री के लिए जो है वो हम भैंसों का भाव नहीं बता सकते। अच्छा, रेट नहीं बताना, रेट बिकनी है उधर जाके। अब बिकनी है भाई साहब। तो कौन से ब्यांत की है ये, कितना दूध? सेकंड बार बच्चा दिया है। हाँ हाँ, और 15-16 लीटर दूध नपाई करके लेके आए हैं। 15-16 किलो दूध माप के लिया है, माप के लिया दो टाइम। दूसरी बार बच्चा दिया है। देखिए जी ये भैंस जा रही है पूना में मुंशी तालुका नंदगांव के नजदीक, और बहुत ही बढ़िया भैंस ये देखिए, काफी बढ़िया साइज की, लंबाई की, ऊंचाई की काफी अच्छी है। इससे आगे देखिए दो नंबर पे फिर एक और भैंस, ये बताओ भाई साहब। ये भाई साहब सेकंड बार बच्चा दिया है और पूरा कद हाइट की है और मुंह से भी अभी 6 दांत है ये। ठीक है, ठीक है। अभी 12 लीटर बोली है। अच्छा, खीस में ही है? हाँ, 12 लीटर दो है खीस में ही है, खीस से खाली हो गए, एक किस्म से ये कह सकते हैं कि शुरू हुई है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है 12 लीटर की वो तभी आएगी जब कोई भैंस खीस से खाली हो जाए, बोले से खाली हो जाए। तो ये भैंस जो है जा रही है, फिर मैं बताना चाहूँगा पूना में। और तीसरे नंबर पे एक काफ़ी बड़े अर्डर की भैंस हमें देखने को मिलेगी, वो भी पूछेंगे बलराज भाई से। ये बलराज भाई, ये भी पूना ही जा रही है और ये इसमें 17 लीटर दूध अभी मौके का तैयार है। मौके पे 17 तैयार है? हाँ, अब बताने को तो 20-22 कुछ भी बता दे कोई फायदा नहीं, 17 पक मौके का तैयार है। ब्यांत कौन सा होगा इसका? ये तीसरे ब्यार में, तीसरे ब्यांत में। ठीक है, रेट बताना नहीं है? रेट नहीं बता सकते। ठीक है, ये देखिए जी टाइट अर्डर की बहुत ही शानदार क्वालिटी मामा साहब ने लिया है, 1,17,000 का इनका बिक्री का काम नहीं है। अच्छा, 1,17 की लिया? हाँ, ठीक है, बेचनी नहीं है आपको? नहीं, इनको नहीं बेचना। ठीक है, ठीक है, घर के लिए लिया है। ठीक है। बाकी वैसे बिक्री वाली हैं? बाकी वैसे बिक्री वाली। ये देखिए जी 17 लीटर दूध मौके पे तैयार है, बहुत ही शानदार भैंस। इससे आगे 4 नंबर पे एक और जोटी, ये भी सिंह की खीस में है। हाँ हाँ, और तीसरी बार बच्चा दिया है। और दूध? दूध इसमें है मौके पे 12 लीटर। और कितना दे देगी पीक पे? आराम से दे देगी 16 लीटर। 16 लीटर दे देगी? ठीक है, 16 लीटर दूध निकाल देगी। देखिए जी बहुत ही बढ़िया लंबाई ऊंचाई की भैंस और साफ सुथरी है बिल्कुल। ये भी जा रही है पूना में नंदगांव मुंशी तालुका नंदगांव में जा रही है देखिए। और इससे आगे फिर 5 नंबर पे जो है एक और भैंस देखते हैं भाई का। डेयरी फार्म सूर्यनगर हिसार में है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन मैं कहूँगा हिसार में, महंगाई बहुत है, दूध भी अच्छे रेट में बिकता होगा। ये बताओ जी इसमें अभी 16 लीटर दूध तैयार मौके पे। 16 लीटर मौके पे तैयार है? हाँ, ठीक है। और ये भी वहीं जा रही है बिक्री? ये भी सभी वहीं जा रही है। देखिए जी बहुत ही सुंदर जोटी है, प्योर मुर्रा नस्ल की, बढ़िया साइज, लंबाई ऊंचाई की बहुत अच्छी है, नीचे की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी जो है भैंस की दिखाई दे रही है। ये देखिए थनों का गैप जो है, अर्डर की क्वालिटी जो है वो बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए बिल्कुल छोटा सींग, साफ सुथरी भैंस बिल्कुल। ये देखिए जी, और ये जाएगी पूना में मौके का 17 लीटर दूध तैयार है। 17 मौके पे तैयार है। ब्यांत कौन सा है जी? सेकंड बार बच्चा दिया है, दूसरी बार बच्चा दिया है। 17 किलो दूध मौके पे तैयार है। देखिए जी लंबाई ऊंचाई की लाजवाब है भैंस। और ये भी जाएगी जी, थोड़ी कमजोर जरूर है सारी की सारी भैंसे, रेट में ली होंगी, वजन रेट बहुत बढ़िया भाई साहब, खून जो है चर्बी जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन भैंसे अच्छी हैं। थोड़ी सी ये वहाँ जाके कमज़ोर भी हो जाएंगी, क्योंकि 6-7 दिन जब गाड़ी में चलेंगी तो भैंसे
घटती ही हैं, दो दिन तो वो खाती पीती भी नहीं है, तीसरे दिन जो है वो गाड़ी में खाना पीना शुरू करती हैं। ये बताओ जी आगे वाली। ये सेकंड बार बच्चा दिया है सुरेंद्र भाई। और अभी बोली पी ये। अच्छा दूसरी बार कितना दूध दे देगी पीक पे? दो तो देना चाहिए सुरेंद्र भाई, 13-14 लीटर। मेरे नहीं कहता 18 लीटर दे देगी। अच्छा 13-14 किलो दूध देना चाहिए। खीस में ये देखिए जी कच्चे दूध पे है, महाराष्ट्र की भाषा में बोलें तो चीक पे है, ले आओ भाई। और ये भैंस भी जा रही है महाराष्ट्र में और बढ़िया साफ़ सुथरी भैंसे हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूँ थोड़ी कमज़ोर हैं, खून जो है कम है, चर्बी कम है, उस हिसाब से रेट में भी सही मिली होंगी। और ज़्यादा मोटी भैंसे दूध देती भी बहुत कम है। ये आप जो भाई वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान कर लेना, जो अच्छी प्योर ब्रीड है वो थोड़ा सा चर्बी वगैरह कम ही बनाती है। ये भैंस भाई साहब इसमें मौके का भी 13 लीटर दूध तैयार है। ठीक है, ये कितने एक दिन की ब्याई है? ये भी जमा खीस में, यही बच्चा है खीस में है, छोटे बच्चे पे है ये भी। ये 13 किलो दूध है, देखिए जी साफ सुथरे ऑर्डर की। ये भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी, राम श्याम डेयरी फार्म सूर्यनगर से वीडियो लेके आ रहे हैं। मैं वीडियो में जो है भाई साहब से कॉन्टैक्ट नंबर भी पूछूंगा। बलराज भाई जब तक भैंस अगली आए नंबर बता दो कॉन्टैक्ट नंबर। 9588-5854। 9588-5854 एक ही नंबर देना। 86-83-00-4217-00-4217-17। ठीक है, ये नंबर दो नंबर हैं आपके। ठीक है, इससे आगे देखिए एक भैंस और जो है आती हुई और उस भैंस के बारे में भी पता करेंगे। जो है कलर जो है भैंस का वो नीचे से लाल सा कलर है लेकिन दूध वाली दिखाई दे रही है जोटी। ये बताओ जी दूध दे देगी सुनें भाई 14-15 लीटर आराम से। ठीक है, अभी ये चिक पे, ये भी चिक पे ही है। हाँ। 14-15 दे देगी। कौन से भैंस में? दूसरे में। हाँ दूसरे में। ये देखिए जी बहुत ही बढ़िया, ले आ भाई जोशी लेडर की है, थनों का साइज बहुत अच्छा है और जोटी कलर को छोड़ के मैं कहूँगा अगर प्योर मुर्रा होती तो 1.5 लाख रुपये कम से कम कीमत जो है जोटी की होनी चाहिए थी, छोटे सींग की। और नीचे की क्वालिटी आप देखिए बहुत ही बढ़िया शानदार। इस कलर की भैंसे बहुत अच्छा दूध कई बार दे देती हैं, काफ़ी सारी भैंसे देखी हैं इस कलर की जो अच्छा दूध जो है वो देने वाली निकलती हैं। ये बताओ जी ये अभी इसका दूध निकाला है मामा ने और इसमें 15 लीटर मौके पे। अच्छा अभी दूध निकल चुका है। हाँ 15 मौके पे तैयार है। मौके पे तैयार है। ठीक है, ये देखिए जी खाली हो चुकी है भैंस। और भी दिखानी है? और दिखानी है। ये दूध है तो दूध निकला हुआ। अच्छा ये बिक्री के लिए, ये मीनी। हाँ तो ये कितने की बेचनी है भाई साहब, कितना दूध है? ये भाई साहब 80,000 रुपये की देनी है। हाँ हाँ, और इसमें मौके पे दूध है 10-11 लीटर। 10-11 लीटर मौके पे तैयार है। पहली बार, पहली बार की है, फर्स्ट बार बच्चा दिया है, पहली बार की है। 10 किलो दूध है, 80,000 रुपये की बेचनी है, दूध निकला हुआ है, छोटे छोटे सींग मीनी जो है भैंस। बढ़ाएगी कुछ एक आध किलो दूध भाई? 12-13 लीटर तो आराम से दे देगी। अच्छा 12-13 दे देगी। और ये बुल भी दिखाना है? हाँ बुल दिखाना है, बिक्री वाला है। हाँ बिक्री के लिए। कितने का बेचना है भाई साहब? ये बेचना भाई साहब 2.5 लाख रुपये का, 4 दांत है अभी ये, मुँह से 4 दांत, 2.5 लाख रुपये कीमत है। हाँ ठीक है। और माँ का दूध बाप कौन है? बाप भी भाई हम तो किसान से लेके आए हैं, देख सुरेंद्र भाई ये नहीं पता, माँ के दूध था 20-22 लीटर। अच्छा 20-22 लीटर दूध माँ का था, कीमत 2.5 लाख रुपये बताई। देखिए जी बढ़िया, बहुत ही सुंदर छोटे सिंह का बुल और बिक्री के लिए जो है ये उपलब्ध है 2.5 लाख रुपये में। जो महाराष्ट्र से आए हैं भाई उनसे बात करवानी है? हाँ करो, कर लो, करो खड़े मामा। ये देखिए जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर कटड़ा जो है 2,50,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? क्या नाम है सर अपना? सोमा जी मारुति फाले। सोमा जी ठीक है जी, तो कहाँ? पुणे से आए हैं। पुणे से। कब आए थे भाई के पास? 3 दिवस हो गए। तो पहले भी लेके गए हैं वैसे या पहली बार आए हो? पहले हमारा बच्चा नहीं ले लेते, बच्चे लेके जाते थे, अब की बार आप आए हैं। अब की बार चंद पवन में आ रहे इकड़े। क्या बोल रहे हैं? सोमा मारुति फाले मशी है, मशी चांगले मिळाले आम्हाला। अच्छा मशी चांगले आहेत। ठीक है, बालाजी ने मशी चांगले दिले का मला घेऊन सर। कैसा व्यवहार रहा भाई का इधर? म्हशीचा व्यवहार एकदम अच्छा आहे, सत्य आहे सगळं, खोटं नाही, काय नाही काय नाही। अच्छा कोई समोर दाखवून त्याने समोर सगळं केलं। कोई आने जाने में कोई समस्या तो नहीं रही? नहीं नहीं नहीं, काही अडचण नाही इथे। अच्छा कोई रहने में, खाने पीने में, गाड़ी का? खाना पीना सब त्यांचंच होईल। सारा कुछ बढ़िया हो गया? सगळं व्यवस्थित केलं त्यांनी, नेऊन आणून जीव आम्हाला नेऊन
फिरून आणू मशीदपासून त्याच दिलेले आम्हाला घेऊन चालला. ठीक आहे, चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और पशुधन लेने के लिए बलराज भाई से संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में चलते चलते हमने पूछ लिया था. तो जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं संपर्क करें भाई से. अच्छा, पशुधन लेने के लिए कैसा लगा जी वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताना. नमस्कार.